मोबाइल में ही देखे थे कहीं का, शायद बेगूसराय का ही था, लेकिन वो कहीं और का था। इसी तरह गड्ढा वहाँ भी हुआ था, सेम इसी तरह, सेम इसी तरह। हाँ, आम पैदल चलने लायक नहीं रोड है ये। अच्छा, ऐसी ये हालत है, हर जगह धसता है जमीन। ये इस तरह की ये हालत मूवमेंट कर दिया है, क्या पता नहीं नगर निगम में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा पब्लिक। लगता है जो सुबह है उसको ठीक कर दिया जाएगा, अगर सुबह नहीं ठीक कर दिया जाएगा तो नगर निगम अपने स्तर से इसमें सुबह गड्ढा इसको भरवा देगा। लेकिन ये जो RCD के द्वारा कार्य किया गया है ये गुणवत्ताहीन कार्य है। अगर आप बेगूसराय शहर में काली स्थान चौक से विष्णुपुर की ओर जाना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी रखिए, क्योंकि हादसा हो सकता है, हादसे की आशंका सड़क पर बनी हुई है। मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूं कि आप मेरे पीछे देखिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप देखिए मेरे पीछे, फिर से सड़क धस गई है और इस धसी हुई सड़क पर संकेत चिन्ह लगा दिया गया है कि लोग दूर से ही समझ जाए कि यहाँ पर खतरा है। और धसना ऐसा वैसा नहीं है, आप देख सकते हैं कितनी गहरी खाई है अंदर, आप देखिए कितनी गहरी खाई है, आप इसका अंदाज इसी से लगा लीजिए कि स्थिति यहाँ क्या है। ऐसे में रोड कहाँ से टूट जाए अचानक कहना मुश्किल है, स्थिति गंभीर है। और आप देखिए इधर भी पेड़ की टहनियों को लगाया गया है यहाँ पर कि लोग थोड़ा सा दूर से ही समझे कि ये रास्ता खतरनाक है। आप देख लीजिए ये शिकायत जो है, सड़क धसने की शिकायत लगातार मिल रही है बेगूसराय शहर में। कहा जा रहा है ये RCD की सड़क है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की सड़क है और पिछले दिनों कई योजनाओं के तहत यहाँ काम हुआ है, उसके बाद सड़क का रेस्टोरेशन किया गया, मरम्मती की गई, पीचिंग है ये सड़क आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर से धस गई ये सड़क। कहाँ घर हो आपका? बिशनपुर। आप तो इसी रास्ते से आते जाते होंगे? हाँ। देखें अभी? हाँ, देख लिया। क्या कहिएगा? क्या लो, कहीं गिर बजर जाएगा, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। स्थिति है ज्यादा गहरी है ना, खाई है? खाई है, खाई है, नीचे अंदर तक खाई है। ये रहते हुए सर इतना गड्ढा है कि आने जाने में आम पब्लिक को इतनी कष्ट होती है, कुछ कहने के नहीं। आज ये गड्ढा है तो कल वो गड्ढा है, किस चीज के लिए है कुछ पता नहीं पब्लिक के लिए। नहीं, गड्ढा होना अलग चीज है, ये धस गई है रोड, इतनी खतरनाक, आम पैदल चलने लायक नहीं रोड है ये। अच्छा, ऐसी ये हालत है, हर जगह धसता है जमीन। ये इस तरह की ये हालत मूवमेंट कर दिया है, क्या पता नहीं नगर निगम में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा पब्लिक, आम पब्लिक एकदम बेहाल हो गया है इस हालत में। बेहाल है, पूरी तरह से बेहाल है। आप लोग भी आते जाते हो इसी रास्ते से? ये तो लूट खसोट है, जितना काम हो रहा है हर जगह खाई हो रहा है, पिचिंग हो जाता है, पिचिंग होने के बाद भी खड्डा हो जाता है। ये तो जानलेवा, क्या जान खतरा में ही लोगों को जा रहा है, लोग मर रहा है। ऐसा रोड तो पूरे इंडिया में कहीं नहीं होगा जितना बेगूसराय का, जो स्थिति खराब है। जी, बेगूसराय में क्या क्या रोल चल रहा है, नेता परलेता सब बोरा भर रहा है अपना अपना, लेकिन रोड का कोई ख्याल बात नहीं है। अच्छा जी, ये पूरा धसना धसना मगते धस रहा है, धसते धसते जा रहा है, कोई भी बाइक से जाएगा टूटते मरते जा रहा है, लोग जाता है। कब हुआ आप लोग को पता चला? कल की बात है, कल की बात है, कल की बात। जी, ये कल ऐसा हुआ, आज वो हुआ है, आज वो हुआ है, और कल एक दिन पहले ये हुआ और आज ये हो गया। देखिए ये स्थिति है, एक दिन पहले इधर हुआ गड्ढा और अभी इधर हो गया है। कब ये हुआ है? हम तो अभी नहीं, हम तो अभी आए हैं, देखे हैं तो उनके दुकान पे थे तो बता रहे थे कि यहाँ पे गड्ढा हो गया है। अच्छा, अभी हम अभी देखे, अभी देखे। हेलो हेलो, एक मिनट, रुक जाइए, बोलिए, आप क्या देखे हैं? अभी ही देखे हैं, मतलब इस तरह से गड्ढा हुआ पड़ा है, तो ये गलती कहीं ना कहीं ठेकेदार का है, जो
लेबर मिस्त्री को जितना वो मटेरियल देंगे वो लेबर मिस्त्री तो उतना ही काम करेगा, तो कहीं ना कहीं ये सारा गलती ठेकेदार के ऊपर जाता है ना सर। बिल्कुल देख रहे हैं हम तो, यहीं से इसका पता चल रहा है ना। देखिए अंदर अगर अगर कहीं रात में कोई अगर पैदल मजदूर आदमी जा रहा है, मजदूर आदमी जा रहा है तो उसको अगर उसका पैर जाएगा तो उसको इलाज करवाने के लिए भी पैसा नहीं होगा, वो तो नहीं आएगा ना कि हम कैसे कैसे बना के टूट भी सकता। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। देखिए ना ये पूरा यहाँ तक आएगा गड्ढा, ये गड्ढा आपका यहाँ तक आएगा, देखिए वो पूरा अंदर खाली है। एक बड़ी गाड़ी भी है ना, बड़ी गाड़ी भी अंदर जा सकती। बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। फोर व्हीलर अगर इस पर पड़ेगा तो बिल्कुल जाएगा गाड़ी अंदर। तो देखिए स्थानीय लोग जो राहगीर है वो भी कह रहे हैं ये खतरनाक है, जिस तरह से धस गई है सर वो काफी डेंजर है। देखिए कह रहे थे मोबाइल में ही देखे थे कहीं का, शायद बेगूसराय का ही था, लेकिन वो कहीं और का था। इसी तरह गड्ढा वहाँ भी हुआ था, सेम इसी तरह, सेम इसी तरह। हाँ मोबाइल में ही हम न्यूज में ही देखे थे, सेम इसी। डीएम ऑफिस पास भी हो गया। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के तो न्यूज में हम देखे थे डीएम ऑफिस के पास। वहाँ का तो हमको लग रहा था कि मतलब कोई आदमी जाएगा तो आदमी अंदर चला जाएगा डायरेक्ट। तो अधिकतर सड़कों की स्थिति कमोबेश यही है, अचानक से सड़क धस जाती है और धसती भी है तो ऐसे वैसे नहीं, हमेशा आशंका रहती है हादसे की। फिर से सड़क धस गई है देखिए यहाँ पर, और यहाँ संकेत के लिए थोड़े से पेड़ की टहनियों को रख दिया गया है, हादसे की आशंका बनी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए ये हमको जब खबर हुआ है तो उनको खबर किए हैं ये आरसीडी का है, वो निर्माण कार्य कर रहा है लेकिन वो धस गया है। इसके लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन वो मतलब आने जाने वाले लोगों के राहत के लिए वो अपना एक संकेत चिन्ह बना के पेड़ लगा के छोड़ दिए हैं। वो जल्द ही इसको रेस्टोरेशन करेंगे और आगे जिस यहाँ भी है और आगे भी अगर होगा तो वो करेगा। ये आरसीडी का रोड है और मेरा भी प्रयास है जो वो अच्छा से अच्छा कार्य करे, लेकिन वो थोड़ा बहुत परेशानी हो रहा है और अभी आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रहा है, इसलिए ये संकेत लगा दिया गया है। लगातार ये हो रहा है, देखिए ये लगातार हो रहा है, कहीं न कहीं उन लोगों के मतलब जो निर्माण कर रहा है वो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सूचना मिली आप लोगों को तो क्या देखने आए? अभी सूचना मिला तो अभी देखने के लिए आए हैं ये एक्चुअली, और आरसीडी को जो उसके सहायक अभियंता हैं उनको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी दे दिया, यहाँ का फोटो भी भेज दिया है सोनू जी को, कार्यपालक के अभियंता से भी बात किया था, वो उनका मोबाइल नहीं उठा है, तो हम लगता है जो सुबह उसको ठीक कर दिया जाएगा, अगर सुबह नहीं ठीक कर दिया जाएगा तो नगर निगम अपने स्तर से इसमें सुबह गड्ढा इसको भरवा देगा। लेकिन ये जो आरसीडी के द्वारा कार्य किया गया है ये गुणवत्ताहीन कार्य है, और इसका मैं आरसीडी के जो माननीय मंत्री हैं और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा जी से भी मैंने शिकायत लिखित में किया है, और उन्होंने कहा है कि हम जांच करवाएंगे, तो निश्चित हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है इसकी जांच होगी। और